ये अगला पड़ाव में दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो इसमें बताया जाता है कि सोने का खंभा यहाँ पे है, तो वो सोने का खंभा कहाँ पे है, कैसे है, उन सभी के बारे में विस्तारपूर्वक आपको दिखाऊंगा दोस्तों मैं। तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं आराम से, आप देखिए यहाँ पे। और ये कुछ मार्केट लगी हुई है, तो वो मार्केट का भी आनंद लीजिए आप। कभी भी आपको मथुरा में आना पड़े तो ये ज़रूर आप मंदिर देख के जाइए। एक आपको रूट पे है, आपको इसी रूट पे आपको मधुबन मिल जाएगा, राधा रानी का मंदिर मिलेगा आपको, जमुना भी देख सकते हैं। तो वो चार पांच चीज़ इसी रूट पे आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं मंदिर पे, आप देखिए। ज्ञान से बढ़कर किसी चीज को महत्व तो नहीं देते भगवान से कैसे आए ब्रजवासी तो मूल चलो बोलो प्रेम से जोर से बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। मंदिर का जयपुर द्वार साल में एक बार दिसंबर के महीने में जिसको बोलते हैं पौष का महीना फूस का महीना एकादशी आता है, हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा एकादशी बोलते हैं श्री वैकुंठ एकादशी। साल में एक बार कहने का तात्पर्य 365 दिन साल में होता है, 365 दिन में ये दरवाजा केवल एक दिन खुलता है। चांदी का पालकी पर सोने का मूर्ति आएगा, पीछे पीछे लाखों टूरिस्ट आएगा, जो ये दरवाजे से बाहर आ गया वो सीधा वैकुंठ को पार होगा। अब आप लोग भी बोलो पंडित जी हमको भी तो वैकुंठ जाना है कि नहीं, वृंदावन भी वैकुंठ है, वृंदावन का मुख्य मंदिर का दर्शन करने से भगवान के चरणों में नाम लिखाने से वैकुंठ का प्राप्ति है। श्रीमद् भागवत में लिखा है वृंदावन में नाम लिखा में जन्म जन्म का दुख नहीं पाया। के घर में लाला का जन्म हुआ तो नंद बाबा ने इतना सामान लुटाया, इतना सामान बांटा कि कुबेर की आँख खटकी खटकी रही। ये कुंड है यहाँ पे, ये कुंड दिखाया गया दोस्तों यहाँ पे दाऊ जी का महाराज का, तो वो कुंड आप देख सकते हैं यहाँ पे। और भी आगे बहुत सा है इसमें, वो सब भी आपको दिखाएंगे, अलग अलग सीक्वेंस में आपको बनाए गए हैं। यहाँ थोड़ा पार्किंग भी दिखाई गई है, और यहाँ उत्सव होता है उस समय ये यहाँ पे दिखाया गया है, तो इसमें आप देख सकते हैं। तो पूरा इसके आप दर्शन कर पाएंगे, यहाँ पे देखो कुछ बगीचे हैं यहाँ पे, और ये मंदिर पूरा आपको दिखाया गया है इसमें। और इसमें वो सोने वाला खंभा भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों मैं, सोने का खंभा कहाँ पे है
और कुछ इसमें 10-10 रुपए की टिकट भी कटती है, तो वो भी आप अगर इसमें कुछ अलग सा टाइप का म्यूजियम जैसा है तो वो आप देख सकते हैं, तो अलग है आपको, तो वो भी टिकट लेके आप देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये एकदम सुनहरा मौका है, घूम सकते हैं आप यहाँ के आके, और विजिट अवश्य कीजिए दोस्तों। जब भी आप मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन या बरसाना, नंदगांव जाएँ तो इस किले पर भी आकर आप देखिए। ये दोस्तों वो है सोने वाला खंभा दोस्तों, ये आपको मैं बोल रहा था, जो बता रहा था सोने का खंभा कहाँ पे है, तो ये देख लीजिए सोने का खंभा है पूरा। बताया जाता है इसमें दो थे और एक की जगह आपको दिख पा रहा है, इसमें एक हटा दिया गया, मतलब कोई ले गया है, और एक खंभा इसमें बचा हुआ है। तो एक खंभा आप आसानी से देख सकते हैं, और दूसरे की जगह यहाँ पे थी, साइड में जगह देख रहे हैं आप, तो दूसरे खंभे की साइड में जगह थी यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो वो खंभा भी नहीं है, यहाँ से तोड़कर निकाल लिया गया है। और यहाँ पे देखो ये चीज़ मेला है, इसमें 5 रुपये टिकट लगती है, तो ये भी आप अंदर जाके देख सकते हैं और इसका भी आनंद ले सकते हैं दोस्तों। यदि आप नहीं देखना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाकी मंदिर यहाँ पर घूम सकते हैं, बहुत ही बड़ा मंदिर है ये, और इसमें आप आइए और आनंद लीजिए दोस्तों। पूरा मंदिर आप घूम के देखिए, देखो यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब आपको पता चल जाएगा कि दो स्तंभ थे यहाँ पे, एक देखो ये स्तंभ है ये तोड़ लिया गया है, एक स्तंभ ये सोने का बचा हुआ है, ये पूरा आप सोने का स्तंभ आप देख सकते हैं यहाँ पे, घूम सकते हैं। यदि आपको शीश महल देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। आप देखो और भी आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि यहाँ की दूसरा खंभा है क्या नहीं है, तो वो आपको दिख जाएगा। ये तो महाराज गोपी नाथ देवी के रम मंदिर आप देख सकते हैं, सीधा आपको दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों मैं, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, आगे चलकर हम देखेंगे। बाकी मंदिर का परिक्रमा के लिए आपको दिखाएंगे, इस प्रकार से मंदिर को आप देख सकते हैं दोस्तों। ये पूरा मंदिर का लीलाएं हैं इसमें कुछ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ऊपर झूमर भी लगाए गए हैं लाइटिंग के लिए इसमें अलग से, पूरा विवरण इसमें दिखाएगा। आप टाइम मिलता है तो बैठकर आराम से आप देखिए इसको और सोचिए समझिए, फिर आप आनंद इसका उठा सकते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए मैं बरसाना आए हैं,